ये वाला हॉल ना मैं आप लोगों को हाईली 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 रिकमेंड करूंगी। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हे, आई एम पल्लवी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल प्रवीण पल्लवी। सो गाइस, फाइनली मेरा 10K कंप्लीट हो चुका है एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आई नो कि ये जो अमाउंट है वो बहुत कम है, बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे करके ना लोग आगे पहुँचते हैं। एंड मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब दिल से चाहती हूँ कि जल्दी मेरा 100K भी हो जाए। तो गाइस प्लीज़, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आई होप कि हम लोग बहुत जल्दी 100K तक पहुँच जाएंगे। एंड गाइस, सच्ची में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं आप लोगों का। एंड ऑल्सो गाइस, मैं सोच रही थी कि एक Q&A वीडियो बनाऊँ। मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था कि एक Q&A वीडियो करूँ क्या, तो आप लोग क्या क्वेश्चन करना चाहोगे। तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था, मतलब क्वेश्चंस किया था। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक Q&A वीडियो बनाऊं, सो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर करूं। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM करके पूछ सकते हो एंड ऑल्सो मुझे फॉलो भी कर देना। तो आज का वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखे तो पता चल ही गया होगा कि किस बारे में होने वाला है ये वाला वीडियो। थोड़ा सा मिक्स्ड काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है मीशो से। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं इसमें, आपको ओवरसाइज शर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ओवरसाइज टी शर्ट्स एंड टॉप्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस चलो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं इस वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी ना, वो एक मस्ट हैव स्कर्ट है। मतलब ये वाला स्कर्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। ये है गाइस वो स्कर्ट जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। ये प्लेन व्हाइट कलर का एक स्कर्ट है जो कि का जो मटेरियल है ना वो रेयन है एंड ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये व्हाइट कलर पे है एंड इसके अंदर से कोई अस्तर भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। बट आप इसके अंदर से कोई पैंट वगैरह पहन लेते हो ना, मतलब कोई प्लाजो कोई लेगिंग्स वगैरह पहनते हो ना, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं लगता है। दिस इज मस्ट हैव स्कर्ट। क्यों मैं बता रही हूँ वो आपको तो वीडियो पे पता चल ही जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसका लेंथ जो है ना वो भी काफ़ी अच्छा है एंड घेरा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतना कम्फर्टेबल है ना ये स्कर्ट, बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। जी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो क्यूट सा एक टॉप है, आप देख सकते हो इतना प्यारा है ना, मतलब इसका क्वालिटी वगैरह एंड लुक्स वाइज ये बहुत ज़्यादा प्रिटी, एक्जैक्टली जैसा पिक्चर में दिख रहा था ना एग्जैक्टली वैसा ही रिसीव हुआ है। इसका आप लेस का डिटेलिंग भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा सुंदर है। इसके स्लीव्स में भी बहुत सुंदर से डिटेलिंग किया गया है लेस का एंड इसका स्लीव काफी प्यारा है, बहुत क्यूट ऐसा पफी स्लीव सा है, छोटा सा स्लीव है बट बहुत ज्यादा क्यूट है। टॉप भी बहुत सुंदर ऐसा क्रॉप टॉप है, सामने ऐसे बहुत डिटेलिंग भी दिया गया है, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा है। इसका जो फैब्रिक है ना वो रिप्ड फैब्रिक है, थोड़ा सा ये थिक वाला फैब्रिक है बट आप इसको इजिली समर में पहन सकते हो ना। इस टॉप को स्कर्ट के साथ जो मैंने पहले दिखाया उस स्कर्ट के साथ मैंने इसको स्टाइल किया है एंड आप देख सकते हो ये ना मुझे एक ड्रीमी सा लुक लग रहा था, इतनी प्यारी सी फेयरी फेयरी लुक लग रहा था ना, ऐसे टाइप के सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट वाले लुक जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस ये मेरे लिए मतलब इतना प्यारा सा आउटफिट निकल के आया ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट जो टॉप है ना वो एक बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा सा टॉप है, आप देख सकते हो ये इसका कलर, इसका प्रिंट, इसका मतलब ये टॉप जो है ना बहुत प्यारा सा है। ये काइंड ऑफ एक टी शर्ट बोल सकते हो आप, आपको पहन के ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ पहन रखा है। इसका आप प्रिंट वगैरह देख सकते हो, इतना सुंदर से ये फ्लावर प्रिंट बनाया गया है ना, फुल समरी, मतलब बहुत अच्छा लगने वाला है ये समर में आप पहनोगे तो आप देख सकते हो। इसको भी मैंने उसी स्कर्ट के साथ वेयर किया था जो कि इतना प्यारा सा लुक दे रहा था ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप इसको कॉलेज वगैरह में पहन के जाओगे ना गाइस, मतलब सब आपको कम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा। लाइक्रा वाला फैब्रिक है एंड इतना कम्फर्टेबल है ना मैं बता नहीं सकती, आप लोग इसको ट्राई करके खुद ही देख लेना। इसका प्रिंट कलर सब कुछ ही बिल्कुल परफेक्ट है, इतना प्यारा सा लुक देता है ना, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर लेना। सो दिस इज़ वेरी नाइस। इसको एक बैग के साथ जो कि टोट बैग होता है उसके साथ वेयर किया था, एकदम परफेक्ट कॉलेज आउटफिट लग रहा था मुझे, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। तो चलो नेक्स्ट आउटफिट देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है मेरे पास दो टी शर्ट, ये ना कॉम्बो में था आप देख सकते हो, दो टी शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारा है कलर एंड ये टोटली ओवर साइज टी शर्ट्स हैं, मैंने इसमें साइज परचेज किया था एम एंड ये परफेक्ट ओवर साइज लुक दे रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ओवर साइज लुक वाले टी शर्ट्स, तो ये परफेक्टली ओवर साइज था मतलब। तो पहला आप ये देख सकते हो कलर इसका बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा से ये जो स्काई कलर होता है ना, मतलब ये स्काई भी नहीं बोल सकते आप, ये पाउडर ब्लू कलर होता है जो कि बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो सामने कुछ इस तरह से प्रिंट किया गया है, इसको भी मैंने
उसी व्हाइट स्कर्ट के साथ वेयर किया था, जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट लुक लग रहा था। कैसा लगा बताओ मुझे। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी कि ये स्कर्ट जो है ना वो मस्ट हैव है। आप देख सकते हो मैंने लिटरली सारे ही टॉप्स के साथ ना एंड टी शर्ट्स के साथ इसी स्कर्ट को वेयर किया था एंड ये परफेक्ट लुक दे रहा था मुझे। जैसा लुक मुझे चाहिए था वैसा ही लुक दे रहा था। इसके साथ मुझे एक ब्लैक कलर का भी मिला है, वो आप देख सकते हो बहुत प्यारा सा है। ये भी पहनने के बाद इतना प्यारा सा लुक दे रहा था, मैं सोच नहीं सकती थी कि लिटरली ये स्कर्ट के साथ ये सारे ही टॉप्स टी शर्ट्स इतने अच्छे लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये मतलब बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। इसका जो फैब्रिक है ना काफ़ी अच्छा है, मतलब बिल्कुल गर्मी नहीं लगने वाली है, इतनी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल पतला सा फैब्रिक कुछ होता है ना टी शर्ट्स का, वैसा बिल्कुल नहीं है। टी शर्ट्स का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। दोनों ही टी शर्ट्स मैंने जितने भी दिखाया ना अभी तक सारे ही फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो बिल्कुल पतला सा फैब्रिक नहीं है, बहुत ही अच्छा वाला फैब्रिक है। इसका भी सेम है मटेरियल, आपके पास तो ये होना ही चाहिए, ठीक है, ये मस्ट हैव है ये वाला भी। तो ये दो पेयर मुझे एक साथ मिला है, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिला है। मैंने इसमें साइज परचेज किया है एम एंड ये परफेक्टली ओवरसाइज लुक दे रहा था। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो भी एक टी शर्ट है, बहुत प्यारा सा टी शर्ट। तो मैं ना टॉप टी शर्ट्स वगैरह पहले दिखा रही थी, उसके बाद ना मैं शर्ट्स पे आऊँगी। सो ये है टी शर्ट, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा है। गर्मियों के सीज़न पर आप लोगों के पास टी शर्ट्स तो होना ही चाहिए। तो ये वाला टी शर्ट काफ़ी सुंदर है, ये ब्राउन कलर में है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसमें कुछ सामने से ऐसा प्रिंट किया गया है जो कि प्रिंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे है, बिल्कुल नहीं जाएगा ऐसा धो के, मतलब कुछ ऐसा होता है ना धोने के बाद ही निकल जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी वाले टी शर्ट्स है एंड प्रिंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें भी मैंने एम साइज ही परचेज किया है एंड काफ़ी अच्छा ये ओवर साइज लुक दे रहा था, मतलब एग्जैक्टली जैसा पिछला वाला दो था ऐसा ही है बिल्कुल। इसका भी फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, लगेगा ही नहीं कि इतनी कम प्राइस में हम लोगों को इतना अच्छा चीज़ें मिल सकता है गाइस, लिटरली मिल सकता है मीशो पे। इसको भी मैंने उसी व्हाइट स्कर्ट के साथ वेयर किया था एंड ये कम्प्लीटली एक बहुत सुंदर कॉलेज आउटफिट लुक दे रहा था। नेक्स्ट और एक देखते हैं टी शर्ट, जो कि है ये वाला टी शर्ट, आप देख सकते हो ये भी बहुत क्यूट एक क्रॉप टी शर्ट है, आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल क्रॉप नहीं बोल सकते आप, थोड़ा सा क्रॉप है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसीलिए आप इसको ऑफिस कॉलेज में पहन सकते हो, मतलब उतना क्रॉप नहीं है, ये परफेक्ट है। इसका जो आप देख सकते हो फ्लावर प्रिंट किया गया है ना, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसका कलर जो है ना वो येलो है। इसमें मैंने एल साइज परचेस किया है, और ज़्यादा ओवर साइज चाहिए था इसलिए मैंने एल में परचेस किया, बट इट्स फाइन, अगर आप एम भी ले लोगे ना तो भी अच्छा फिट देगा ये। तो इसको भी मैंने उसी व्हाइट स्कर्ट के साथ पहना था, जो कि मेरा बहुत फेवरेट हो गया है ये स्कर्ट, क्योंकि ये ना सारे आउटफिट के साथ मेरे चल रहे थे। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था पहनने के बाद, बहुत ही क्यूट सा लुक दे रहा था, आप देख सकते हो, आप खुद ही देख लो कैसा लग रहा था, और आप खुद ही मुझे कमेंट्स में बता देना कि जितना मुझे अच्छा लग रहा है उतना अच्छा आप लोगों को लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो काफ़ी फैब्रिक वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, पहनने के बाद इतना कम्फर्टेबल है ना, सारे ही टॉप्स सारे ही टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आप ईजिली इसको समर में पहन सकते हो, मतलब नो डाउट, ठीक है। बहुत अच्छा है फैब्रिक इसका, आप ट्राई करके देखना और फिर आके मुझे बताना कमेंट्स में। उसके बाद ना मैं आपको एक टॉप दिखा देती हूँ, जो कि मेरा मोस्ट 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 फेवरेट टॉप है। तो दिस इज द टॉप, इसका कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ये टॉप है ना, फुल स्लीव वाला टॉप है, ये भी रिप्ड वाला फैब्रिक है, बट इसका जो क्वालिटी है ना टोटली डिफरेंट है। इसको आप इजीली समर में पहन सकते हो गाइस, मतलब ये बहुत ही हल्का सा फैब्रिक है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ रिप्ड वाला, मतलब ये अलग टाइप के फैब्रिक है, बहुत अच्छा है, समर के लिए बिल्कुल कम्फर्टेबल है, आप ईजिली इसको समर में पहन सकते हो। और इसको भी मैंने उसी व्हाइट स्कर्ट के साथ वेयर किया था एंड काफ़ी सुंदर ये लुक दे रहा था मुझे, इतना प्यारा का मैं सच्ची में बता नहीं सकती, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये फुल स्लीव है, मैंने इसमें साइज परचेस किया था एम एंड ये परफेक्टली मुझे फिट आया है। मैंने कहा ये वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट टॉप है। तो गाइस ये हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं आप लोगों को, जरूर ट्राई करके देखना एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल रहा है, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, प्लीज़ चेक इट आउट। सो चलो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को शर्ट्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक प्लेन बेसिक व्हाइट शर्ट दिखा देती हूँ। ऐसे शर्ट्स तो हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे कमेंट्स किया था कि ओवरसाइज शर्ट्स हॉल करो, मतलब लेयरिंग के लिए ये वो, लोगों के लिए ना ऐसे शर्ट्स तो होना ही चाहिए। आप देख सकते हो ये लेयरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, आप वैसे भी पहन सकते हो इसको। ये फुल स्लीव है, मैंने स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करके रखा है अभी, क्योंकि मैंने पहना था ऐसे फोल्ड करके, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी शर्ट है।
बहुत सारे वे पे आप पहन सकते हो इस शर्ट को। तो मैंने इस पे साइज परचेस किया था, आई थिंक यहाँ पे साइज नहीं लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। समर्स में ना शर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो शर्ट बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी होता है एंड पहनने के बाद काफी अच्छा लुक देता है। तो आप ऑफिस, कॉलेज, हर किसी जगह पे ऐसे शर्ट्स को पहन के जा सकते हो। नेक्स्ट शर्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो शर्ट है ना वो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, मतलब मैं हर किसी पे बोल रही हूँ कि ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, बट लिटरली सारे के सारे इस वाले हॉल पे ना सारे के सारे मेरे फेवरेट है, अच्छा लगा मुझे। तो नेक्स्ट शर्ट इज दिस वन, आप देख सकते हो ये वाला शर्ट। ओ माई गॉड, मैं क्या बताऊँ, ये इतना प्यारा सा है ना, मतलब पहनने के बाद जो लुक दे रहा था ना, तो मैंने इसको वेयर किया था एक जीन्स के साथ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इसको वेयर किया था इस वाले जीन्स के साथ, ये भी मैंने मीशो से परचेज किया है। ये जो जीन्स है ना ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट जीन्स है, आप देख सकते हो। इस जीन्स को मैंने सारी ही शर्ट्स के साथ वेयर किया था, तो ये वाला जीन्स हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं, आपके पास ये वाला जीन्स होना ही चाहिए, मस्ट हैव है। मैंने इसमें 28 साइज में परचेज किया था ये वाला जीन्स, एंड आप देख सकते हो ये फ्लेयर जीन्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत क्यूट है, मतलब ये इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, 28 है इसका साइज। मैं इसका भी लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। आई थिंक इसको मैंने, इस जीन्स को मैंने 600 और 650 के आसपास मैंने परचेज किया था। इस प्राइस के अंदर कहाँ आपको इतना अच्छा प्यारा सा जीन्स मिलेगा। तो अब मैं शर्ट पर आती हूँ, शर्ट का क्वालिटी वगैरह एंड लुक वगैरह बहुत अच्छा आता है। मैं पहले एक बात बता देती हूँ, शर्ट पे जो है ना वो मैंने डबल एक्सेल साइज में परचेज किया ये वाला शर्ट, क्योंकि मुझे ना पता होता है कि ऐसे शर्ट्स जो होते हैं ना ओवरसाइज बोलते हैं, बट उतना ओवरसाइज नहीं होता है जो कि हम लोगों को चाहिए होता है। सो दैट्स वाई मैंने पहले ही मतलब रिक्स नहीं लिया, तो मैंने साइज़ डबल में ले लिया, क्योंकि अगर साइज़ डबल भी होता है तो भी इशू नहीं है, क्योंकि ओवर साइज़ हम लोगों को वैसे ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसलिए डबल एक्सेल में लिया एंड ये परफेक्टली जैसा मुझे ओवर साइज़ चाहिए था ना वैसा ही लग रहा था। तो आप लोगों का भी साइज़ अगर एस एम ऐसा कुछ है ना, और आप लोग भी अगर ओवर साइज़ लुक चाहते हो इस शर्ट में, तो आप लोग एक्सेल ले लो, डबल एक्सेल ले लो, कोई भी ले लो, बट एस एम मतलब वो बिल्कुल फिटेड वाला लुक देगा। अगर आप लोगों को फिटेड वाला लुक अच्छा लगता है तो ले सकते हो, अदरवाइज अगर आप ओवर साइज लुक चाहते हो तो फिर आप एक्सेल, डबल एक्सेल ये सब प्रेफर करो। बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, आप सामने से इसको दो पॉकेट भी मिल जाएगा एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इसीलिए इसको ऑफिस, कॉलेज, कहीं पे भी पहन के जा सकते हो, या घूमने जाना चाहते हो तब भी बहुत अच्छा लगेगा ये। तो गाइस डेफिनेटली मेरे तरफ से तो थम्स अप है, बहुत प्यारा सा था ये वाला शर्ट, आप लोगों को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो गाइस हमारा लास्ट जो शर्ट है ना वो दिखाती हूँ, काफ़ी यूनिक है, मैंने ऐसा शर्ट तो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, बट लिटरली मुझे इस बार लगा कि ट्राई तो करना बनता है। तो दिस वन आप देख सकते हो, ये ना टोटली हाफ हाफ टाइप शर्ट है, आप देख सकते हो इसमें एक साइड व्हाइट कलर में है एंड एक साइड सी ग्रीन कलर में है। लग रहा था इसको पहनने के बाद, मतलब मुझे लगा नहीं था कि सच में अच्छा लगेगा ऐसे शर्ट्स पहन के, बट पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप ये देख सकते हो फुल स्लीव में है, ऐसा स्लीव मैंने फोल्ड करके रखा था, ऐसा फोल्ड करके पहना था, दैट्स व्हाई ऐसे ही है। सो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा सा है, बहुत क्यूट लग रहा था पहनने के बाद। इसको भी मैंने उसी पैंट के साथ स्टाइल किया था, जो कि बहुत क्यूट सा लुक दे रहा था। अब देख सकते हो ऐसे शर्ट्स को भी आप कॉलेज, ऑफिस में पहन के जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और मैंने कैसे स्टाइल किया वो भी आप देख पाओगे इस वीडियो पे। तो मैंने इसमें साइज़ लिया था एल, ठीक है, और ये परफेक्टली ओवरसाइज लुक दे रहा था मुझे। ये इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मिला है, आई थिंक ये 195 समथिंग रुपीज़ में मुझे ये मिल गया है, एंड कैन यू जस्ट इमेजिन 195 रुपीज़ में आपको ऐसी सुंदर सा एक शर्ट मिल रहा है, जो जिसको आप कई सारे वे पे स्टाइल कर सकते हो। मतलब इस समर सीजन में शर्ट को हम बहुत सारे वे पे स्टाइल कर सकते हैं, तो हाईली रिकमेंड करती हूँ। एंड गाइस ये जो मैंने टॉप पहना है ना ये भी काफ़ी क्यूट है, एंड इसका भी अगर लिंक आप लोगों को चाहिए ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो इस समर सीजन पे ना ये वाला हॉल मेरा तो एब्सोल्यूट फेवरेट था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कॉमेंट करके बताना, एंड गाइस क्यों मैंने वीडियो करूँ या ना करूँ वो भी बता देना। अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो आप मुझसे, फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ जाके मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत सारे गर्ल्स हैं जो कि इतनी प्यारी प्यारी से कमेंट्स करते हैं, एंड बॉयज़ भी है जो कि बहुत क्यूट क्यूट कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच जो कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना लव दिखाते हो, मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ आप लोगों को, थैंक यू सो मच, एंड बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, ऐसे ही साथ देते रहना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।